हाँ जी दोस्तों, आज का ये लेसन फिर से कोर्स के ऊपर है। ये को लेसन कोर्स के ऊपर मैं इसलिए डालने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि उनको कोर्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है। पता नहीं आप लोगों को कोर्स में क्या दिक्कत आ रही है। मैं एक बार फिर से सारे कोर्स आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है यहाँ पे, मेजर और माइनर कोर्स। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस पिक्चर का आप अपनी कॉपी पर ये सारे कोर्स उतारना चाहते हैं, आप सबसे पहले इन कोर्स को अपनी कॉपी पर उतारिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये करिए, इन कोर्स को उतारिए। फिर आगे मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है आपको। तो अभी देखिए क्या है कि सबसे पहले मोटी मोटी बात एक बार जान लीजिए कि कोर्स में है क्या। कोर्स कुछ नहीं है, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कोर्स के ऊपर? मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। देखिए, कोर्स मतलब होता है कि जब हम तीन स्वर बोले तो तीन स्वर एक साथ दबाते हैं तो उसको हम कोर्ड बोलते हैं। जब तीन दबा दिए, जब चार स्वर एक साथ दबा दिए तो उसको हम कोर्ड बोलते हैं। ठीक है, आसान सा तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ज्यादातर हमारे कोर्ड जो लगते हैं, या तो वो मेजर कोर्ड होगा या माइनर कोर्ड होगा। यानी कि बोलो तो अगर कोर्ड के दो प्रकार हैं, एक मेजर कोर्ड है, एक माइनर कोर्ड है। सिंपल सा फार्मूला, मेजर कोर्ड को निकालना तो 1 5 8, माइनर कोर्ड को निकालना तो 1 4 8। बस ये फार्मूला है, इतना सा फार्मूला है, कुछ ज्यादा करने को नहीं है इसमें। ठीक है, अभी देखिए, दो प्रकार के कोड हैं। कोड का मतलब क्या होता है कि जब हम तीन स्वर एक साथ दबाते हैं तो उसको कोड बोलते हैं। कोड दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर कोड एक माइनर कोड। मेजर कोड को निकालने का फार्मूला है 1 5 8, और माइनर कोड को निकालने का फार्मूला है 1 4 8। 1 5 8 मतलब, यानी कि एक नंबर मतलब पहला स्वर, ठीक है, और 5 नंबर मतलब पांचवा स्वर, ठीक है, 8 नंबर मतलब आठवां स्वर। अभी देखिए, मान के चलिए, अभी एक चीज और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, हमारे संगीत में टोटल 12 स्वर होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये चीज अगर नहीं आएंगी, आपको नहीं पता होगा, तब तक आप कोड नहीं सीख सकते। हमारे टोटल 12 स्वर होते हैं, जिनमें से 7 शुद्ध होते हैं। शुद्ध बोल तो सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध दा, शुद्ध नी। 4 कोमल होते हैं, हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ ये चीज़। 4 कोमल स्वर होते हैं, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी, और एक तीव्र स्वर होता है जिसे हम तीव्र मा के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 12 स्वर होते हैं। टोटल कोड होते हैं दो प्रकार के, एक मेजर कोड एक माइनर कोड, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो 12 स्वर है, 12 कोड इसके बनेंगे, 12 कोड इसके बनेंगे, तो टोटल बनेंगे आपके 24 कोड। ठीक है, टोटल 24 कोड बनेंगे, जिसकी पिक्चर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। अभी एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपके वही 24 कोड है। 12 कोड आपके मेजर के हैं, 12 कोड माइनर के। आप देख सकते हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ मेजर कोड, तो ये आपके मेजर कोड है। पहले सा का मेजर कोड लिखा, फिर कोमल रे का मेजर कोड, फिर शुद्ध रे का मेजर कोड, फिर कोमल गा का, फिर शुद्ध गा का, फिर शुद्ध मा का, फिर तीव्र मा का, फिर पा का मेजर कोड, फिर कोमल धा का मेजर कोड, फिर शुद्ध धा का मेजर कोड, कोमल नी का मेजर कोड, शुद्ध नी का मेजर कोड। पहले सारे मैंने मेजर कोड लिखे हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं माइनर कोड है। तो ये सारे मेजर और माइनर कोड मैंने आपको निकाल के पिक्चर में दिखा दिए, क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कोड निकालने में। ठीक है, इस तरीके की कंफ्यूजन ना हो तो मैंने आपको डायरेक्टली एक चार्ट बना के, एक पिक्चर बना के डाल दिया। आप देख सकते हैं निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे कि बता दिया। अगर मेजर कोड मैंने जिस फॉर्मूले से निकाले, मेजर कोड निकालने का फॉर्मूला है 1 5 8, माइनर कोड निकालने का फॉर्मूला है 1 4 8। एक बार फिर से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अभी मान के चलिए मेरे को सा का मेजर कोड, ये हमारा सा है, ये शुद्ध रे शुद्ध गा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हारमोनियम पे स्वर कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि माँ कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए शुद्ध माँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि कोमल धा कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि कोमल धा ये वाला है। अगर इसी तरह मान के चलो आपको कोमल धा का मेजर कोड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, धा को पकड़ेंगे यहाँ से। आप अगर मेजर कोड निकाले तो मेजर कोड का फार्मूला था 1 5 8, आप धा को पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, यानी कि 1 5 8 लगाना, ये आपका धा का मेजर कोड। आप देखिए कोमल धा का मेजर कोड ये है, 1 नंबर स्वर, 5 नंबर स्वर और 8 नंबर स्वर, ठीक है। अगर इसी तरह मेरे को तीव्र मा का मेजर कोड निकालना, तो सेम तरीका, तीव्र मा को पकड़ेंगे यहां से, गिनेंगे 1 नंबर स्वर पकड़ेंगे, 2 3 4 5, 5 नंबर स्वर, 6 7 8, तो ये आपका तीव्र मा का मेजर कोड है। अगर माइनर कोड निकालना तो माइनर कोड निकालने का फॉर्मूला 1 4 8 है। अगर मान के चलिए आपको तीव्र मा का माइनर कोड निकालना, तो 1 4 8 लगाना, 1 नंबर स्वर पकड़े, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका तीव्र माह का माइनर कोड है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, अभी क्या करना है, आप पिक्चर आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, कोड सारे मैंने आपको पिक्चर में बना के दे दिए।
अभी आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले आप कोड लगाना सीखिए, पहले चार से शुरू हो जाइए, सबसे पहले सारे मेजर कोड बजाना सीखिए, सा का मेजर कोड, फिर कोमल रे का मेजर कोड, फिर शुद्ध रे का मेजर कोड, ठीक है, फिर इसी तरह कोमल गा का मेजर कोड, शुद्ध गा का मेजर कोड, शुद्ध मा का मेजर कोड, फिर आपका तीव्र मा का मेजर कोड, पा का मेजर कोड, सारे मेजर कोड निकालिए पहले, ठीक है, पहले सारे मेजर कोड पर हाथ बिठाइए, फिर माइनर कोड पर हाथ बिठाइए, पहले सिर्फ कोड को दिमाग में सेट करिए, गाने में लगाना भी सिखा दूंगा मैं आपको, सब कुछ सिखा दूंगा, बहुत आसान है, लेकिन पहले आपको कोड खुद से बजाने आने चाहिए। अगर आपका कोड ही नहीं पता होगा, मान के चलो आपको पता ही नहीं कि अगर आपको सा का कोड लगाना है, आपको पता नहीं सा का कोड बजना कैसे, निकालना कैसे, तो आप कैसे कोड गाने में कोड लगाएं, गाने में कोड तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको ये सारे 24 के 24 कोड याद नहीं होते। ये 24 के 24 कोड आपको याद होने चाहिए, मुंह जवानी याद होने चाहिए, ठीक है। इसका पहले अभ्यास करिए, अभ्यास कैसे होगा, अब जैसे मैंने अभी पहले मेजर कोड प्रैक्टिस करने, तो पहले क्या किया, सा, फिर कोमल रे का कोड, फिर शुद्ध रे का कोड, फिर कोमल गा का कोड, फिर शुद्ध गा का कोड, फिर शुद्ध मा का कोड, जैसे जैसे मैंने एक एक कोड आपको चेंज कर करके आपको अपना हाथ पकाना है इन कोड्स के ऊपर, अपने हाथ को जमाना है। जब तक आपके ये कोड हाथ पर नहीं चढ़ेंगे, आपके हाथ पर ये कोड नहीं बैठेंगे, आपको नहीं ये याद होंगे कोड, तब तक आप किसी भी गाने में कोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाना जो चलता है, कभी गाना माँ पे रुकता है, कभी सा पे रुकता है, कभी गाना कोमल रे पे रुकता है, कभी गाना किसी भी स्वर पे गाना रुक सकता है, ठीक है। इन दोनों पैटर्न में से एक ही कोड लग, चाहे तो कोड मेजर लगेगा चाहे माइनर लगेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि अगर मान के चलिए एक गाना है हमारा, अभी देखिए तुम दिल की धड़कन, देखिए अभी देखिए गाना रुका पा पे, ठीक है, तो आपको पता तो हो एटलीस्ट कि पा पे मेरा कौन सा कोड लग रहा है, मेजर लगेगा का माइनर लगेगा। आपको अगर पा का कोड ही नहीं पता, जैसे सा का कोड ही नहीं पता, तो आप क्या गाने का कोड लगाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप कोड्स को याद करिए, अच्छे से कोड याद हो जाएंगे सारे, आप ऑटोमेटिकली लगाना सीख जाएंगे। तो ये छोटी सी कोशिश थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।